हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आपको अपना घर दिखाऊंगी। मैं नोएडा से आई हूँ आगरा। तो आगरा में मेरा रेंट का रूम है जो किराए पे रहते हैं, तो यहाँ पे मम्मी रहती हैं। तो मैं आज आपको अपना रूम दिखाऊंगी और मेरे घर की जो स्थिति है प्रेजेंट में वो मैं आपको सब दिखाऊंगी। तो आइए आपको दिखाते हैं मैं अपना रूम। तो ये देखिए, ये मेरी मम्मी से मिलो, ये मेरी मम्मी है, ये भी माता जी हैं। तो यहाँ पे रूम में अकेली रहती है, मैं नोएडा में जॉब करती हूँ। ये देखिए, ये मेरा रूम है, ये देखिए, यहाँ पे हम लोग रेंट पे रहते हैं, ये हमारा रूम है। तो मैं अभी 15 दिन की छुट्टियों पे अपनी मम्मी के पास आई हुई हूँ। ये अकेली रहती हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए, मेरी मम्मी पूजा पत्री करती हैं। ये देखिए, दो दो मंदिर बना रखे हैं, देवी की बहुत बड़ी भक्त हैं, तो देवी माँ भी बना रखी हैं। इधर अपने लड्डू गोपाल जी हैं, सबकी पूजा करती हैं। हमारे पास जो है प्रेजेंट में वही आपको दिखा रही हूँ, और हमारे पास कुछ नहीं है जो मैं आपसे झूठ बोलूँगी कि पैसे वाले हूँ या जो भी है। प्रेजेंट में जो है मैं आप सबको अपना प्रेजेंट बता रही हूँ। मेरा नाम वर्षा चौधरी है और मैं BSc सेकेंड ईयर की हूँ। पापा एक्सपायर हो गए, उसके बाद से मेरी बीच में पढ़ाई नहीं हो पाई है, तो मैं BSc सेकेंड ईयर करके छोड़ दी हूँ। उसके बाद मैं नोएडा में जॉब करती हूँ। तो नोएडा में जॉब करने के बाद मैं अपना घर चला रही हूँ। भाई हैं, सिस्टरों की शादी हो गई, भाई अलग रहते हैं। तो अभी प्रेजेंट में मेरी मम्मी अकेली हैं, मतलब कोई उनका साथ देने वाला नहीं है, तो इसलिए मैं अभी उनका साथ मैं ही दे रही हूँ। जॉब कर रही हूँ, घर चला रही हूँ। तो ये यहाँ पे रहती हैं, मेरे पास भी आती हैं, वैसे प्रेजेंट में यहीं रहती हैं। और ये हमारा खुद का मकान नहीं है, हमारे भैया भाभी का है, तो वो हमें अपने साथ नहीं रखते हैं, तो ये हम लोगों ने रेंट पे ले रखा है। तो हम यहाँ पे रेंट पे रहते हैं, अपने बजट के हिसाब से रेंट पे ले रखा है। तो मेरी मम्मी भी हैं, तो ये बीमार रहती हैं। ये कुछ कहना चाहें तो इनसे बात कर लीजिए। इसकी माँ हूँ वर्षा चौधरी की, मैं शीला चौधरी, और मैं और मेरी बेटी, हम दोनों यहाँ पर रहते हैं, और हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में, हमारे को कोई साथ देने वाला नहीं। तो आप सभी हमारा सपोर्ट करें, सपोर्ट करें, और हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बस आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस, बाय बाय।